अभी समर के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होने की वजह से हीट स्ट्रोक जैसे डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ये रोग किसी भी को भी हो सकता है, बट बच्चे, बूढ़े और जो बाहर काम करते हैं उनको ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये रोग सीवियर से लेके माइल्ड तक हो सकता है। माइल्ड जो हीट स्ट्रोक होते हैं उसमें हमें चक्कर आना, उल्टियाँ होना, उबके आना, पेट में दर्द करना, मांसपेशियों में खिंचाव आना, सिर दर्द करना, बुखार आना, बहुत ज़्यादा पसीना होना, ये सब चिन्ह देखने मिल सकते हैं। और जबकि सीवियर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बुखार आता है, पसीना ज़रा भी नहीं आता है और आदमी बेहोश तक हो सकता है। ये अगर सीवियर कैटेगरी का आता है या आपको हीट स्ट्रोक के कोई भी चिन्ह दिखते हैं तो बेटर है आप हॉस्पिटल में जाके उसकी जांच करवाएं। ये हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें ज़्यादातर बाहर नहीं जाना चाहिए। दोपहर में जो टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी होने के चांसेस रहते हैं उस टाइम पे बाहर निकलना हमें हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पतले कपड़े पहनने चाहिए, टोपी, चश्मे, ये सब प्रोटेक्टिव पहन के निकलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और अल्कोहल, स्मोकिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ों करने से हम हीस्ट्रोक से बच सकते हैं। साथ में अगर आप चल के जा रहे हो तो अम्ब्रेला का यूज़ करना भी अच्छा रहता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से हम डिहाइड्रेशन से भी बच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी इंसान को हीस्ट्रोक है या खुद को भी हीस्ट्रोक है तो तुरंत उनको HCG हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाइए और उनकी जांच करवाइए। वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व।